काम। त्रिपुरा के वेस्ट त्रिपुरा जिले के मंडाई गांव में यह देव वर्मा परिवार माइलोमा खुलोमा की पूजा कर रहा है। माइलोमा खुलोमा देव वर्मा समुदाय की आराध्य देवियां हैं। इन दोनों ही देवियों को देव वर्मा समुदाय धन धान की देवी मानता है। इन देवियों के प्रतीक के तौर पर हर देव वर्मा परिवार दो मटकियों में नया धान भरकर रखता है। देव वर्मा समुदाय में वैसे तो रोज ही माइलोमा खुलोमा की पूजा की जाती है, लेकिन बैशाख के महीने की शुरुआत में जब देव वर्मा समुदाय में गौरिया पूजा की शुरुआत होती है तो उससे पहले माइलोमा खुलोमा की पूजा बड़े स्तर पर की जाती है। इस पूजा में धनदान की देवी माइलोमा खुलोमा से अच्छी फसल और परिवार की खुशहाली का आशीर्वाद मांगा जाता है। माइलोमा खुलोमा यानी दो मटकी घर में उनके प्रतीक के तौर पर रखी जाती हैं और उनकी पूजा की जाती है। उन्हें दो मुर्गी की बलि भी दी जाती है। पूजा में पीठा और नए चावल से बनी बियर भी चढ़ाई जाती है। गांव के सभी परिवारों में शांति हो और सभी को अच्छी फसल मिले, इसलिए यह पूजा की जाती है। माइलोमा खुलोमा की पूजा के लिए धान से निकले चावल से पीठा बनाया जाता है। इस पीठा को देवी को चढ़ाया जाता है। इसके अलावा चावल से बनाई गई राइस बियर भी देवी को अर्पण की जाती है। पूजा खत्म होने के बाद पूरा परिवार मिलकर प्रसाद खाता है। देव वर्मा समुदाय में परंपरा के अनुसार प्रसाद के साथ देवी को बैशाख महीने में खिलने वाले फूल भी चढ़ाए जाते हैं। देव वर्मा समुदाय में हर परिवार में माइलोमा खुलोमा की पूजा की जाती है। अगर कोई परिवार गौरिया पूजा नहीं भी करता है तो भी माइलोमा खुलोमा की पूजा जरूर होती है। माइलोमा खुलोमा को हम लोग नए चावल का पीठा देकर पूजा करते हैं और रात को सारा परिवार मिलकर उसी प्रसाद को खाता है। त्रिपुरा के जनजातीय समुदाय में बैशाख महीने में यानी जब नई फसल खेतों से घर आ जाती है तो अपने देवी देवताओं को पूजा जाता है। एक तरह से देवी देवताओं को अच्छी फसल के लिए यह धन्यवाद ज्ञापन भी होता है और उसके साथ साथ आगे भी अच्छी फसल मिलती रहे ऐसी कामना भी की जाती है। त्रिपुरा के त्रिपुरी समुदाय में गौरिया को सबसे बड़ा देव माना जाता है। आमतौर पर गौरिया देव की पूजा सामूहिक तौर पर की जाती है, लेकिन कुछ परिवारों में अपने घर के आंगन में ही पूजा करने की परंपरा भी चलती आ रही है। माता जी खाइए गो हम तो देव वर्मा त्रिपुरी सदियों से इस पूजा को करता आया है। चैत्र महीने के खत्म होने के बाद बैशाख की शुरुआत में ही गौरिया बाबा की पूजा शुरू हो जाती है। गौरिया के दिन हर परिवार में माइलोमा खुलोमा की पूजा भी जरूर की जाती है। माइलोमा खुलोमा की पूजा में कुछ परिवार मुर्गी की बलि देते हैं, जबकि कुछ परिवार चावल का पीठा बनाकर प्रसाद चढ़ाते हैं। यह पीठा नए धान का ही बनता है। इसके अलावा नए चावल से बना पीठा और राइस बियर परिवार के सभी लोग प्रसाद के तौर पर ग्रहण करते हैं। गौरिया पूजा के लिए परिवार सबसे पहले आंगन में गौरिया बाबा का निर्माण करता है। इसके लिए बांस का प्रयोग होता है। इस प्रक्रिया में एक खोखला बांस गाड़ा जाता है और उसमें एक पतला बांस खड़ा कर दिया जाता है। इस पतले बांस पर एक नया कपड़ा भी बांधा जाता है।
इसको ही गौरिया बाबा का प्रतीक मानकर पूजा की जाती है। इस पूजा में सबसे पहले बाबा गौरिया तैयार होता है और फिर उसे आंगन में स्थापित किया जाता है। उसके बाद पुजारी को बुलाया जाता है। पुजारी आकर बाबा गौरिया की पूजा संपन्न कराते हैं। माइलूमा खुलूमा यानी दो मटकी जो घर में उनके प्रतीक के तौर पर रखी जाती हैं, उनकी भी पूजा होती है। आमतौर पर उन्हें दो मुर्गियों की बलि दी जाती है। पूजा में पीठा और नए चावल से बनी बियर भी चढ़ाई जाती है। गांव के सभी परिवारों में शांति हो, सब खुशहाल रहें, सभी को अच्छी फसल मिले, इस पूजा में यही कामना होती है। माइलूमा खुलूमा और गौरिया बाबा की पूजा त्रिपुरी जनजातीय समुदायों के लिए एक बड़ा अवसर होता है। इस पूजा में इन समुदायों की न सिर्फ धार्मिक आस्थाओं को देखा जा सकता है, बल्कि यह भी एहसास होता है कि मोटे तौर पर ये जनजातीय समुदाय कृषि पर निर्भर समाज है। एक समय में पहाड़ी ढलानों को साफ करके खेती करने वाला यह समाज अब स्थायी खेती को अपना चुका है। हमारे परिवार में बहुत पहले से ही गौरिया पूजा होती रही है। हम लोग तभी से माइलूमा खुलूमा पूजा भी करते रहे हैं। बाबा गौरिया की पूजा बैशाख महीने में खिलने वाले फूल, मुर्गा और राइस बियर के साथ की जाती है। इसके अलावा जो भी मेहमान आते हैं उन्हें भी राइस बियर पिलाई जाती है। पूजा खत्म होने के बाद रात को बाबा गौरिया को पानी में विसर्जित कर दिया जाता है। इस दौरान बाबा गौरिया के गीत गाए जाते हैं। देव बर्मा समुदाय की इस पूजा के दौरान बच्चे भी खूब मौज मस्ती करते हैं। वे घर घर जाकर नाचते गाते हैं और उधम भी मचाते हैं। गांव के हर घर से उन्हें कुछ चावल या फिर नकद पैसा खुशी खुशी दिया जाता है। जब बैशाख का महीना शुरू होता है तभी यह पूजा शुरू हो जाती है और इस मौके पर माइलूमा खुलूमा की पूजा भी होती है। जब यह पूजा शुरू होती है तो बच्चे घर घर जाकर नाचते गाते हैं और गांव के सभी परिवार इन बच्चों और नौजवानों को चावल भेंट करते हैं। त्रिपुरा में जनसंख्या अनुपात में देखें तो उसमें जनजातीय हिस्सा कम हो रहा है। राज्य के संसाधनों और राजनीति दोनों पर ही बाहर से आकर बस गए लोगों का दबदबा बढ़ा है। इस बढ़ते दबदबे के बीच जनजातीय समुदाय भी अपनी सांस्कृतिक और भाषाई पहचान के बारे में सजग हो रहे हैं। इसलिए ऐसा देखा जा रहा है कि अब अलग अलग जनजातीय समुदाय अपने परंपरागत सांस्कृतिक धार्मिक उत्सवों को बड़े स्तर पर मनाने लगे हैं। इसी सिलसिले में कोकबोरोक भाषी त्रिपुरी समुदायों की गौरिया पूजा को भी अब बड़े सामूहिक स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। लेकिन जो परिवार पहले से ही अपने आंगन में इस पूजा को करते आए हैं उनसे यह उम्मीद की जाती है, बल्कि यह उनके लिए अनिवार्य बताया जाता है कि वे इस पूजा को अपने परिवार के साथ करते रहें। त्रिपुरा से मैं भी भारत संवाददाता सैलेन कोलोई की रिपोर्ट।